अक्षय जी, आप जिस जिस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं और इसके साथ माशाल्लाह दाढ़ी भी थोड़ी पकी हुई दिखाई दे रही है। ये तो मैं काली करके आया हूं। सॉल्ट एंड पेपर लुक। हाँ बट अपने फिल्मी करियर को आप कैसे पैन होता हुआ देख रहे हैं 5 साल बाद डाउन द लाइन, क्या सोच रहे हैं? 5 साल बाद, खैर इट्स टू फार अवे फॉर 5 years टू फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ तक जाऊंगा। 50 crores, पॉलिटिक्स? नहीं, पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं। बस मैं फिल्में बनाना चाहता हूँ क्योंकि यही मुझे आता है। मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ तो इसीलिए मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। इसका आपकी क्या स्टोरी मतलब हुआ? बहुत मैं पढ़ी लिखी इंस्पायरिंग हूँ है। तो मैं फिल्मों में काम कर अरे बाबा तेरा अलग है, तू इंजीनियर है ना? इसीलिए मैं फिल्मों में काम कर नहीं, रहा हूँ इसे ब्रो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और कोई ले नहीं रहा था काम के लिए। फिल्में वाले कह रहे थे आ जाओ तुम, आ जाओ तुम कर लो फिल्में। बट आई हैव इसलिए टू से दिस इज वन इंडस्ट्री वेयर आई हैव सीन दैट आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो मैटर नहीं करता है, आपका टैलेंट ऑब्वियसली कितना है वो मैटर करता है। ऑब्वियसली क्योंकि स्क्रीन या पे दिखना है और उसमें नो, कोई लेकिन मुझे अगर एक बात फिर बता, पैसे लगाएगा नहीं अगर आप करिश्मा नहीं है, आप में एक्स फैक्टर नहीं है टू बट पुल ऑफ अ मूवी। क्वालिफिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट इवन एज अ डायरेक्टर, इवन एज अ फिल्म मेकर, एनी इट्स नॉट अबाउट योर डिग्री और हाउ मच यू स्टडीड और हाउ मच नॉलेज यू हैव, इट्स हाउ मच टैलेंट यू हैव। बट आज आज मैं जानना चाहता हूँ कृति जी, आप इंजीनियर बनी लेकिन फिर आप फिल्मों में कैसे आई? मतलब क्योंकि इंजीनियर सर बहुत बार होता है कि कई लोगों को अपना पैशन जो है वो ढूंढते ढूंढते ही टाइम लग जाता है, तो वो अच्छा भेड़चाल होती है। मैं साइंस में बहुत अच्छी थी, मैं स्टूडियस थी, मेरी मॉम फिजिक्स प्रोफेसर है, सो आई ऑलवेज फेल्ट कि ओके आई एम गुड एट साइंस, क्या कर सकते हैं, मुझे मेडिकल नहीं करना है, ओके लेट मी गो फॉर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेती हूँ, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है, कुछ पता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है। बट आई हैड नॉट फाउंड माई पैशन, आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग एंड दैट हैपेंड बाई चांस इन माई लाइफ, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग एड्स आई फेल्ट आई एंजॉय द हिंदी प्रोसेस ऑफ हिंदी शूटिंग, हिंदी मुझे ऐसा लगा। हिंदी हिंदी ओके। जब मैं मॉडलिंग करना शुरू हुई तब कुछ एड्स करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे मुझे कैमरा के सामने मजा आ रहा है, या ये थोड़ी बहुत एक्टिंग जो है ये करने में मुझे मजा आ रहा है। सो आई थिंक बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पैशन पता ही नहीं होता है हाँ ये और बात वो है, ढूंढते ढूंढते अरसा टाइम निकल लग जाता है जाता है। पैशन पता करने में कि कहाँ क्या करना क्या जिंदगी में। अंजना जी आपको पहले से पता था, आपने नहीं सर, मैंने तो बहुत सारे अलग अलग किए करियर्स थे में आपने? काम किया है। हाँ मैं एनजीओ में काम करती थी, मैं एक कंपनी में एचआर में भी रह चुकी हूँ, बट मैं आप यू आर द सब्जेक्ट टुडे, सो हाँ नहीं, कोई बात मैं सवाल नहीं। पूछ, हाँ पूछो पूछो, आप ही पूछो। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है 10 लाइंस में, बिकॉज आप हम्बल हो के मैं तो ये नहीं वो काम नहीं मिल रहा था तो ये कर लिया वो कर लिया, बट एस बॉलीवुड के बाहर का होकर वहां पर आप दोनों ही जगह बनाना बहुत मुश्किल बात होती है, और आपकी वीडियोस लोग बच्चे देखते हैं प्रभावित दिखते हैं। अपनी स्टोरी अगर अक्षय कुमार को बतानी हो तो आप कहां से कहां तक उसे ले जाएंगे, क्योंकि आपकी जुबानी बाकी लोग बताते हैं कि भैया सुबह जल्दी उठ जाते हैं शाम को और उन्होंने यहां पर काम किया पहले वहां पर किया, बट ये जर्नी कैसा था आपका एंड व्हाट मोटिवेटेड यू, कैसे आपको लगा कि मैं बॉलीवुड में काम करूंगा और वहां पे आपने इतनी बड़ी जगह बनाई? नहीं ऐसे, ये एक इत्तफाकी बात है कि मैं बॉलीवुड में आ गया, वरना मैं सिर्फ मैं तो चला था मार्शल आर्ट कोई स्कूल खोलने, फिर या तो मैं सोचा था मैं मर्चेंट नेवी में चला जाऊंगा, ऐसा कुछ सोचा हुआ था मैंने। लेकिन जैसे इन्होंने बताया, पता नहीं था कि इस फिल्म लाइन के अंदर, ये तो एक दिन किसी ने देख लिया मुझे, बोला बेटे तुम लंबे चौड़े हो, मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? ये मुझे नहीं चौड़े नहीं बोला था बट लंबे बोला तो बोले लंबे चौड़े बेटे तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो? तो मैंने, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था मॉडलिंग होती क्या है, तो मैं बोला क्या करना है, तो मुझे बोला कि आ जाओ कल आ जाओ 11 बजे, 11 बजे आ जाओ। तो मैं 11 बजे पहुंच गया और वहां देखा, और मैं तब 5,000 रुपये कमाता था महीने में, और तो मॉडलिंग के लिए गया उधर, और उन्होंने 21 साल की मुझे, बात है, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 1988, 5,000 हाँ 1988, तो तभी मैं गया उधर और उन्होंने मुझे बोला इधर बैठो, और फर्नीचर शोरूम का ऐसे ही फर्नीचर पड़े हुए थे, सोफे पड़े हुए थे, और मैं उसके साथ मतलब बैठा, तो एक मॉडल आई, लड़की आई, वो बैठी फर्स्ट क्लास, वो भी खूबसूरत, मैं देख रहा हूँ अच्छा भाई क्या करना है, बोले इधर दे कैमरा, वो एक कैमरा वाला आया, बोले इधर देखो उधर देखो, तब आप मिस्टर भाटिया थे हाँ मिस्टर भाटिया तो आज भी हूँ, मतलब द नेम, हाँ नेम राजीव, उस वक्त राजीव था मैं, और फिर उसके बाद ये हो गया, 1.5 घंटा यहाँ वहाँ देखा, और उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में 21,000 रुपये दे दिए, तो मैं बोला यार ये बढ़िया है,
पूरे 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 महीने काम करता हूँ, 5,000 मिलते, यहाँ पता नहीं एसी रूम में बिठा दिया इन्होंने और बोले यहाँ वहाँ देखो, और अच्छी खूबसूरत लड़की भी आई और यहाँ देखो, और ये बढ़िया काम है, ये बढ़िया काम। तो मैं बोला ये मॉडलिंग करते, फिर वो सब कुछ बाकी चीजें भूल गया। मैं तभी कुंदन की ज्वेलरी भी बेचता था, ग्रीटिंग कार्ड भी बेचता था, ये सब चीजें फिर मैं भूल के ये चीज पे आ गया। फिर मैं मॉडलिंग करने लगा, फिर उसके अंदर फिर आहिस्ते आहिस्ते करते करते एक पहली फिल्म मिली, फिर उसके बाद दूसरी, फिर उसके बाद यहाँ तक पहुंच गए।